बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव में द फन दे हैड भाग 1 और भाग 2, और कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद भाग 2। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? द फंदे हेड। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, या आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखो, इंग्लिश नॉर्मली सबको क्या लगता है कि हाँ भाई, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ना, पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हर सेंटेंस को पढ़ना है, हमें हर वाक्य को पढ़ना है। उस वाक्य में अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो उनके हमें मतलब समझने हैं, और फिर उसके बाद उस पूरे वाक्य का हमें मतलब समझना होगा। अगर इस तरीके से आप हर सेंटेंस को पढ़ते जाओगे तो आपकी जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक वाक्य समझेंगे, उसका हिंदी का मतलब समझेंगे, उसमें कोई ज़रूरी शब्द अगर आएगा तो हम उसका मतलब समझेंगे, है कि नहीं? तो चलो करते हैं शुरू ये चैप्टर, द फंदे हैड। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो बात किसके बारे में हो रही है बच्चों, शुरुआत किसके बारे में हुई है, किसके बारे में बात करते हुई है? एक किसी लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है, मार्गी। तो इस लड़की का नाम क्या है, मार्गी। और क्या किया है उस लड़की ने, उसने किसी चीज के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। On the page headed 17 May 2157, और वो जो डायरी था उसके ऊपर क्या लिखी हुई थी, एक तारीख लिखी हुई थी। वो तारीख क्या थी बच्चों, 17 मई 2157, 2157। She wrote, और क्या लिखा था उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। तो बच्चों, हम अभी तक क्या हमने अभी तक ये जाना, हमने ये जाना कि ये जो कहानी है जिसको अभी हमने शुरू किया है, वो कहानी आगे भविष्य की, उस भविष्य के ऊपर लिखी गई है, या भविष्य में एक बच्ची है मार्गी, उस वो कुछ लिख रही है और हमें भविष्य के बारे में पता चल रहा है। कैसे पता चला भविष्य की है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा सन चल रहा है, 2020, ये चल रहा है ना, लेकिन ये कब की है, 2157, यानी कि बहुत साल आगे की, बहुत साल बाद की जो बात है, ये वो कहानी करने वाली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो वो जो किताब टॉमी को मिली थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, मार्गी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने उनको कहानियाँ बताई थी कि किस तरीके से बहुत साल पहले किताबें एक पेपर पे लिखी जाती थी और उनको प्रिंट करवाया जाता था, और क्या होता था उन किताबों में, उन किताबों में होती थी स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ।
They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. तो क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं ये? ये बच्ची बता रही है कि वो जो किताब थी, है ना, when they turned the pages, जब उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा, तब उन्होंने क्या पाया कि वो जो पन्ने थे वो कैसे थे, येलो और क्रिंकली. येलो मतलब पीले रंग के थे और थोड़ी सी उस पर क्या थी, सलवटे थी. क्रिंकली होना मतलब सलवटे होना. And it was awfully funny to read words that stood still. तो क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा funny था. Awfully, awfully मतलब बहुत ज़्यादा. ये बहुत ही ज़्यादा funny था उन शब्दों को पढ़ना जो कि उस पेपर पे ही, है ना, उस किताब में ही, उस पेज पर ही टिके रहते थे, बजाय इसके कि वो मूव करे, वो उस तरीके से चले जैसा कि चलना चाहिए था. अब हमें नहीं पता कि किताबों को कैसे चलना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि ये तो भविष्य की बात है. हम तो आज भी जो किताबें पढ़ते हैं वो कैसी होती है, पर ये किताब है, उसके ऊपर पन्ने हैं और उन पन्नों पे वो शब्द वहीं पर रहते हैं. पर इस बच्ची के लिए और टॉमी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, है ना, और एक हंसने वाली बात थी कि ये जो शब्द थे ये टिके हुए हैं. क्यों? क्योंकि टॉमी और मार्गी को आदत है कि जो वो किताबें पढ़ते हैं उनके शब्द हमेशा चलते रहते हैं ऑन अ स्क्रीन, यू नो. और वो चलते कहाँ पे हैं, एक स्क्रीन के ऊपर. तो मतलब टॉमी और मार्गी कैसे पढ़ाई करते हैं, बच्चों कैसे किताबें पढ़ते हैं, एक स्क्रीन पर पढ़ते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और अगर वो किताब के उस पन्ने पे फिर से वापस आए तो वो शब्द तब भी वही मिलते थे जैसे कि पहली बार उन्होंने देखे थे. तो उनके लिए, मार्गी और टॉमी के लिए, बहुत ही अलग बात थी, बहुत ही फनी बात थी. जी, said टॉमी, What a waste. तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिख रहा है आपको, जी, जी कोई खास इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है. ये अपनी एक भावना बताने का एक तरीका है, और थोड़ी सी भावना कैसी कि जिससे जो हमें अच्छी ना लगे, एक इस तरह की भावना बताने का तरीका है. जी, what a waste. इसका मतलब क्या है कि भाई कितनी ज़्यादा बर्बादी है. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप ये पूरी किताब पढ़ लोगे तब आपको इसको फेंकना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, when you are through with the book, इसका मतलब है जब आपने कोई किताब पूरी पढ़ ली, उसको ख़त्म कर लिया किताब को पढ़कर, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है बच्चों. A television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. हमारी जो television television की जो screen है, उसमें बहुत सारी किताबें होंगी, और उसमें और भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं. Plenty more, यानी कि और भी ज़्यादा अनेक किताबें आ सकती हैं. I wouldn't throw it away. और मैं स्क्रीन को फेंकूंगा भी नहीं. क्यों नहीं फेंकूंगा? क्योंकि भाई उसमें तो मैं जितनी मर्जी आए किताबें डाल सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ. Same with mine, said Margie. और मार्गी ने क्या बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही है. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो मार्गी की उम्र बताई जा रही है. बच्चों आपको अच्छे से एक एक चीज़ को याद रखना है, हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कि मार्गी की उम्र इसमें कितनी बताई जा रही है, 11 साल. और इस 11 साल की उम्र में मार्गी ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी. He was 13. और टॉमी की उम्र कितनी थी बच्चों, 13 साल. She said, where did you find it? तो उसने पूछा, किसने पूछा, मार्गी ने, तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो जो हमारा टॉमी जो बच्चा है वो उस किताब को पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसने मार्गी की इस बात को, बात का जवाब देने के लिए अपनी नज़र भी नहीं उठाई, और बिना नज़र उठाए इशारा करके क्या बोला, मेरे घर में, अटारी में. एटिक यानी कि अटारी में. व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में है. स्कूल. और इस बात का जवाब देते हुए टॉमी क्या बोला बच्चों, स्कूल के बारे में. किसके बारे में है वो किताब, एक स्कूल के बारे में.
मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्गी ने उसकी आवाज में, मार्गी की आवाज में क्या था, एक तिरस्कार था, है ना। स्कॉर्नफुल होना मतलब तिरस्कार पूर्ण तरीके से कुछ बोलना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है, मुझे तो स्कूल से सख्त नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल से हमेशा से ही नफरत थी, लेकिन अब तो उसकी ये नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो इतनी ज़्यादा जो नफरत हो रही थी स्कूल से मार्गी को, वो क्यों हो रही थी, क्योंकि जो मार्गी के जो टीचर थे वो कैसे थे, एक मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिकी अध्यापक या फिर तकनीकी अध्यापक थे, है ना। और वो जो तकनीकी अध्यापक था या यांत्रिकी अध्यापक था, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा था, और मार्गी का प्रदर्शन हर टेस्ट के साथ में और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। और ये देखते हुए जो मार्गी की मदर थी, है ना, जो मार्गी की मम्मी थी, उन्होंने अपना सर एक दुख के साथ में हिलाते हुए, परेशान होते हुए क्या किया, किसी को बुलाया। और वो कौन थे जिनको बुलाया, वो थे एक काउंटी इंस्पेक्टर। अब उस काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया गया, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या किया, ये सब तो हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक जो हमें समझ में आया है वो ये है कि भविष्य में किताबें बहुत अलग होती थी, जैसे हम आज पढ़ते हैं वैसी किताबें नहीं थी बच्चों भविष्य में। भविष्य में कैसी किताबें बच्चे पढ़ेंगे, एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर पढ़ते रहेंगे। जैसे अभी हमें बताया मैकेनिकल टीचर है ना, एक यांत्रिकी अध्यापक है, अभी हमारे जैसे अध्यापक होंगे या नहीं ये तो अब हमें पता नहीं है। अब आगे क्या होगा कहानी में, ये जानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो का अगला भाग देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बिहाइव से द फन दे हैड भाग 2। बच्चों, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है द फन दे हैड। अभी तक की कहानी में हमने ये जाना कि ये जो कहानी लिखी गई है ये हमारे आज के वर्तमान की कहानी नहीं है, ये एक भविष्य के ऊपर लिखी गई कहानी है कि किस तरीके से भविष्य में किताबें पढ़ने किताबों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज जैसे हम किताबें पढ़ते हैं क्या करते हैं, उसमें पन्ने होते हैं, उन पन्नों के ऊपर शब्द लिखे होते हैं, वैसी किताबें भविष्य में नहीं थी या नहीं होंगी। भविष्य में कैसी किताबें होंगी, एक बड़ी सी स्क्रीन जिसके ऊपर कोई किताब को या फिर किसी पाठ को पढ़ा जाता होगा। और उसी भविष्य के दो बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, इन दोनों को एक असली किताब मिली है और ये किताब बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को अनोखी लग रही है। और हमने क्या जाना इस कहानी में, अभी तक हमने ये जाना कि मार्गी के पास एक मैकेनिकल टीचर है, यानी कि एक तकनीकी अध्यापक है। वो अध्यापक ज्योग्राफी के, भूगोल के टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा था और मार्गी उनमें उस बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। पर ये सब देखते हुए मार्गी की जो मम्मी थी, उन्होंने क्या किया, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है और इन्होंने क्या किया, ये तो हमें कैसे पता चलेगा, कहानी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। चलो करते हैं शुरू। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो वो था कौन काउंटी इंस्पेक्टर बच्चों, वो एक छोटे से कद का गोल सा आदमी था जिसके लाल रंग का चेहरा था, और क्या था उनके पास, डायल्स और वायर्स थे, तारें थी। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी को देख के मुस्कुराहट दी अपनी, मार्गी को देख के वो मुस्कुराया, स्माइल करना यानी कि मुस्कुराना, और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। Then took the teacher apart. और सेब देने के बाद में उसने उस टीचर को ही अलग कर दिया बच्चों। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी को ये उम्मीद थी, hoped, है ना, hoped मतलब कुछ उम्मीद थी, ये पास्ट की बात थी, एक उम्मीद थी। तो ये उम्मीद थी कि इनको जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनको वो मैकेनिकल टीचर को वापस जोड़ना ना आता हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट
एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन. लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनको तो उनको उस मैकेनिकल टीचर को या तकनीकी अध्यापक को जोड़ना भी आता था, और करीब एक घंटे में उन्होंने वो जो तकनीकी अध्यापक था उसको जोड़कर ठीक कर दिया. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो बच्चों ये जो चीज़ है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा important है यहाँ से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो तकनीकी अध्यापक था वो था कैसा, है ना. हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि वो तकनीकी अध्यापक था कैसा या वो करता क्या था. तो यही यहाँ पे बताया गया है कि एक वो बड़ा सा काले रंग का भद्दा सा क्या था, एक बड़ी सी स्क्रीन थी. यानी तकनीकी अध्यापक कोई रोबोट या इंसान नहीं था, वो असल में क्या थी, एक बड़ी सी काली सी भद्दी सी स्क्रीन थी जहाँ पर जो सारे पाठ्य थे, है ना, जो भी पाठ पढ़ाते थे वो लोग, वो दिखाए जाते थे और क्या किया जाता था, सवाल पूछे जाते थे. वो तकनीकी अध्यापक एक वो बड़ी सी स्क्रीन ही सवाल पाठ पढ़ाते, सवाल पूछते और सब आंसर भी चेक करते थे. दैट वॉजन सो बैड, ये उतना भी बुरा नहीं है. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट. जो हिस्सा मार्गी को सबसे ज़्यादा खराब लगता था वो क्या था, एक स्लॉट था बच्चों. तो जो मैकेनिकल अध्यापक है उसके पास में एक स्लॉट भी था, एक खांचा भी था. स्लॉट का मतलब होता है खांचा. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. उस खांचे में मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स रखने होते थे और जो वो गृह कार्य करती थी वो भी वहाँ पर रखना होता था. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. तो क्या हुआ, मार्गी की जब उम्र 6 साल की थी बच्चों, मार्गी जब केवल 6 साल की थी तब उसको एक पंचकोड याद कराया गया था, एक खास तरह का कोड याद कराया गया था. और मार्गी को वो सारे जवाब जो थे, जो मैकेनिकल टीचर पूछता था या वो तकनीकी अध्यापक पूछता था, वो उसी पंचकोड में उसको सारे जवाबों को लिखना होता था. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जो वो तकनीकी अध्यापक था वो उसके मार्क्स की गणना झट से कर देता था. कैलकुलेटेड मतलब गणना करना. तो तकनीकी अध्यापक क्या करता था, अब भाई वो तो तकनीकी है ना, रोबोट है वो, तो वो क्या करेगा, वो तो झट से उसको चेक भी कर लेगा और मार्क्स की गणना भी कर देगा. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो जब इंस्पेक्टर का काम खत्म हो गया तो इंस्पेक्टर फिर से मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसके सर पर थपकी दी. पैटेड मतलब थपकी देना. He said to her mother, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. और उसने मार्गी की माँ से क्या बोला कि इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे ऐसा लगता है जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, यानी जो भूगोल का जो सेक्शन है, वो थोड़ा सा तेज गति से पढ़ाया जा रहा था. A little too quick मतलब तेजी से पढ़ाया जा रहा था. Those things happen sometimes. और ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं. I have slowed it up to an average 10-year level. और मैंने इसकी गति को एक 10 साल के बच्चे की उम्र के हिसाब से धीमा कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो दरअसल है क्या, काउंटी इंस्पेक्टर क्या बोला मार्गी के बारे में, कि दरअसल जो प्रोग्रेस है मार्गी की, जो पूरी प्रोग्रेस हो रही है मार्गी की, या जो पूरा प्रदर्शन है मार्गी का, वो कैसा है, सेटिस्फैक्टरी है. सेटिस्फैक्टरी है का मतलब कैसा है बच्चों, संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और ऐसा बोलते हुए उसने फिर से मार्गी के सर पे क्या किया बच्चों, थपकी दी. कैसे पता चला थपकी दी, पैटेड. अभी हमने पढ़ा था ना कि पैटेड का मतलब क्या होता है, पैटेड का मतलब होता है थपकी देना. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. और मार्गी कैसे हुई, डिसअपॉइंट हुई. डिसअपॉइंट हुई का मतलब क्या हुआ, निराश हो गई थी मार्गी. कैसी हो गई थी, उसको दुख होने लगा था, उसको निराशा होने लगी थी. क्यों भाई,
She had been hoping they would take the teacher away altogether. तो इसलिए मार्गी को निराशा हो रही थी. क्यों? क्योंकि वो तो ये चाहती थी, उसको तो ये उम्मीद थी कि हो सकता है इस टीचर को ही यहाँ से ले जाया जाए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because his history sector had blanked out completely. और मार्गी को ऐसी उम्मीद क्यों थी कि इस टीचर को ले जाया जाएगा? क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था, यानी टॉमी के पास एक अलग मैकेनिकल टीचर था, एक अलग तकनीकी अध्यापक था, उस टीचर का जो हिस्ट्री का पार्ट था वो बिल्कुल खाली हो गया था, और इसीलिए उस टीचर को एक महीने के लिए ठीक करने के लिए ले जाया गया था. सो शी सेड टू टॉमी, और इसीलिए उसने टॉमी से बोला, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? तो बच्चों अभी तक, यहाँ तक तो हमने क्या जाना कि मार्गी को स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है. ठीक है, हमने ये जाना कि उसकी उम्मीदें क्या थी कि भाई मैकेनिकल टीचर को दूर ले जाया जाए, उसको स्कूल वैसे ही पसंद नहीं था, और इसी कारण से अब वापस से उसने यही पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो भाई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में बच्चों, ये तो जानना बहुत ज़रूरी हो गया है अब तो, कि आखिर स्कूल की कौन कौन सी बातें हैं जो अच्छी हैं, जो मार्गी और टॉमी को अभी तक नहीं पता. इनका स्कूल तो बिल्कुल अलग तरह का है ना, एक अध्यापक पढ़ाता है, और वो अध्यापक कैसा है? तकनीकी अध्यापक. और वो दिखने में कैसा है वो टीचर? एक बड़ी सी काली सी भत्ती सी स्क्रीन. अब स्कूल के बारे में इतना मज़ेदार क्या है जानने लायक, ये तो उसको तो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है, देखना पड़ेगा इस वीडियो का अगला भाग. तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में. बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद भाग 2. बच्चों बहुपद भाग 1 में हमने पढ़ा था बहुपदों का सामान्य परिचय. भाग 2 में हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक. क्या होते हैं बहुपदों के शून्यक? किसी भी बहुपद पी एक्स में x के वे मान जहाँ पर पी एक्स का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे. वापस से समझिए बच्चों, किसी भी बहुपद पी एक्स में x के स्थान पर आप ऐसे संख्यात्मक मान रखेंगे जिससे कि पी एक्स का मान क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, तो x के वे मान क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे. अतः x बराबर a बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि x के स्थान पर a रखने पर आपको क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए. बच्चों याद रखिए, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं. अर्थात अगर कोई रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, तो उसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे. मतलब x का एक आपको ऐसा मान मिल जाएगा जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो. और अगर कोई बहुपद द्विघाती बहुपद है तो x के ऐसे दो मान आपको मिलेंगे जिनको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा. अगर बहुपद तीन घात का है तो आप ऐसे कितने मान पता कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, आप तीन मान ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जिनको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है. बच्चों हम बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है सेंसपल प्रमेय. क्या होती है सेंसपल प्रमेय? यदि x बराबर a अर्थात बहुपद में x के स्थान पर a रखने पर आपको शून्य प्राप्त होता है, अर्थात x बराबर a बहुपद का शून्यक है, तब x माइनस a बहुपद का क्या होगा? एक गुणांक, एक गुणनखंड होगा. वापस से समझिए बच्चों, अगर बहुपद में x बराबर a रखने पे 0 आया तो x बराबर a क्या है? बहुपद का शून्यक है. और अगर बहुपद का शून्यक x बराबर a है तो x माइनस a क्या हो जाएगा? बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा. समझ में आई बच्चों सेंसपल प्रमेय? इधर समझिए, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार और देखिए. fx आपका क्या है? कोई बहुपद है. fx आपका बहुपद है, हो सकता है ये रैखिक बहुपद हो, द्विघाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद हो. और f ऑफ a आपके पास क्या है? शून्य है. f ऑफ a शून्य होने का मतलब a क्या है? बहुपद का शून्यक है. तो x माइनस a, x बराबर a तो क्या है? शून्यक है. और यहाँ से आप देखेंगे x माइनस a जो है, ये जो व्यंजक है ये क्या होगा?
बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, एक रेखीय बहुपद के शून्य किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, इस स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। रेखीय बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, हमने देखा था रेखीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है पहले वाले वीडियो में, ए एक्स प्लस बी होता है, और ए एक्स प्लस बी का शून्य किस तरीके से निकालेंगे, अर्थात एक्स का वह मान जिससे ये शून्य हो जाए कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, इस ए एक्स प्लस बी को आप क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। जब आप इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस बी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी, और यही माइनस बी अपॉन ए क्या है, इस रेखिक बहुपद का शून्यक है। आपको दिख रहा है शून्यक एक्स बराबर क्या है, माइनस बी बटे ए, अर्थात अचर पद बटे चर पद का गुणांक और माइनस का साइन, यही क्या है, रेखीय बहुपद का शून्यक है। समझ में आया बच्चों आपको, रेखिक बहुपद का शून्यक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आगे बढ़िए, द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इस बहुपद के अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो कितने प्राप्त होंगे, अभी मैंने आपको बताया द्विघात है तो दो शून्यक प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त करते हैं, गुणनखंड विधि से प्राप्त करते हैं। गुणनखंड विधि कैसे अप्लाई करते हैं, हमने पूर्व की कक्षाओं में सीखा है, कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी हमने सीखा है, फिर भी मैं आपको जब उदाहरण कराऊंगा तो एक बार वापस से आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बस इतना याद रखना है, द्विघात बहुपद में जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये चर संख्याएं नहीं हैं। ए बी और सी क्या हैं, वास्तविक संख्या है, जहां ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है बच्चों, अचर पद है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद। शून्य ज्ञात करने की विधि कौन सी है बच्चों, गुणनखंड विधि। कब सीखेंगे हम, अभी उदाहरण लेके हम इसको सीखने वाले हैं। उससे पहले आप देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध। अभी हमने देखा कोई भी द्विघात जो समीकरण होगा वो किस रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, और क्योंकि ये द्विघात है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। दो शून्यकों को हम, एक को क्या बोलते हैं अल्फा, और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा बोलते हैं। दूसरे जो शून्यक होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा और बीटा क्या हैं, ये बच्चों ग्रीक भाषा के सिंबल्स हैं जिनको हम मानक रूप में द्विघात समीकरण के शून्यकों के रूप में यूज करते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यकों के रूप में हम किनको यूज करते हैं, अल्फा और बीटा को मानक रूप में हम इनको यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। दो जो शून्यक होंगे उसमें से आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। तो ये तो दोनों क्या हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, अर्थात ये वो वैल्यूज हैं जो बहुपद को क्या कर देंगी, शून्य कर देंगी। और ये ए बी और सी क्या है, ए बी और सी बच्चों क्या है, इस द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य संबंध देखना है। तो बच्चों, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में दो तरीके के संबंध होते हैं, पहला योग वाला संबंध और दूसरा गुणनफल वाला संबंध। योगफल वाला संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों अर्थात अल्फा और बीटा का योगफल क्या किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर होगा, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा किसके बराबर आएगा, शून्यकों के योगफल के बराबर आएगा। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा बच्चों सी अपॉन ए के, सी बटे ए के बराबर आएगा। सी का मतलब क्या था बच्चों, अचर पद, और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों संबंध आपको समझ में आए, योग वाला संबंध और गुणनफल वाला संबंध। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य कितने संबंध होते हैं, दो संबंध होते हैं। कौन कौन से, एक तो योगफल वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आगे देखते हैं बच्चों, अगर आपको अल्फा और बीटा पता है,
शून्यक पता है अल्फा और बीटा, और आपसे कहा जाए कि हमें आप द्विघात बहुपद निकाल के बताइए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हमें बहुपद दे रखा है तो वो पूछ सकता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक देकर हमें क्या बोल सकता है कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को उल्टा भी हमसे पूछा जा सकता है। तो द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र है वो क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद का ये जो सूत्र है आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है बच्चों, द्विघात बहुपद की अगर आपको शून्यक पता है तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, और अगर आपको बहुपद पता है तो शून्यक भी निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से। आइए बच्चों सीखते हैं उदाहरण के साथ क्या है गुणनखंड विधि, किस तरीके से हम शून्य ज्ञात करते हैं, और बाद में आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध मैंने बताया है वो सत्य ही है, इसकी जांच करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर एक, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला काम आपका क्या है, शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। विधि कौन सी काम में लेनी है आपको, गुणनखंड विधि काम में लेनी है। बाद में आपको क्या करना है, शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध, संबंध हमने पढ़े हैं दो, एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला, उन दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं शून्यक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके के जो प्रश्न होंगे उनका हल हम किस तरीके से करेंगे। बच्चों कॉपी और पेन तैयार रखिए, मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको नोटबुक में आंसर करना है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको जिस तरीके से आंसर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो मैं आपको बताने वाला हूं इस तरीके से आप आंसर करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आपको सब कुछ आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपको जिस भी बहुपद, चाहे से वो रैखिक बहुपद हो, चाहे से द्विघात हो, चाहे से तीन घात वाला हो, कितने भी घात वाला बहुपद हो, तो उसको पहले आप नाम दीजिए। माना ये जो बहुपद है उसका नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। समझ में आया बच्चों, क्योंकि हम बहुपदों को किससे दिखाते हैं सामान्यतः, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, पी ऑफ वाई, अगर बहुपद वाई के पदों में है तो ठीक है। यहाँ हमारा बहुपद किसके पदों में है, एक्स के पदों में, इसलिए मैंने इसको क्या माना है, एफ ऑफ एक्स। और हमें पता है अगर हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, शून्यकों के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स का मान ज़ीरो होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मान जहाँ जीरो होगा उसी को तो हम बहुपद का शून्यक बोलेंगे। एक्स के वे मान जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान जीरो हो जाता है, बहुपद एफ एक्स के क्या कहलाते हैं, शून्यक। हमने शून्यक की परिभाषा में स्टार्टिंग में ही देखा वीडियो के, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ और बराबर कितना बच्चों, ज़ीरो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंड विधि, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपने ये कक्षा 8 और कक्षा 9 में पहले ही पढ़ा है, लेकिन एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। गुणनखंड विधि की पहली स्टेप क्या है बच्चों, ए को सी से मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणांक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्यात्मक मान आपको नहीं दिख रहा, इसलिए इसका गुणांक क्या है, एक है। और इसको हम गुणा करते हैं किससे, अचर पद से। अचर पद कितना है बच्चों, माइनस आठ। यहाँ देखिए चिन्ह के साथ आपको बताना होगा कि सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस आठ, केवल आठ नहीं है। यहाँ इन दोनों का जब आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, माइनस आठ आएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ए और सी का गुणा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इस आठ के ऐसे दो गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको घटाने पर
क्योंकि ये चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए गठाने पर आपको क्या आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, अर्थात बी आना चाहिए। अब देखिए आठ के अगर हम गुणनखंड करें, दूसरा काम आपका क्या है, इस आठ के गुणनखंड करना। साइन सिर्फ आपको क्या बता रहा है, साइन जो ऋणात्मक है वो आपको ये हिंट दे रहा है कि जो दो गुणनखंड है उनको गठाने पर मध्य पद बी यानी दो आना चाहिए। यहाँ मैंने माइनस दो नहीं बोला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मध्य पद का गुणांक हालांकि माइनस दो है, बी का मान माइनस दो है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा है, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो गठाने पर और धनात्मक आ रहा है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, मध्य पद का संख्यात्मक मान आना चाहिए। संख्यात्मक मान का मतलब सिर्फ दो से मेरा मतलब है, माइनस दो से नहीं है। तो देखिए आठ के गुणनखंड अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक और आठ, सबसे पहले गुणनखंड एक और आठ ही कीजिए आप, और इनको घटा के और जोड़ के देखिए क्या मध्य पद दो आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दो और चार भी इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। अब आप जोड़ के देखेंगे तो अच्छा आएगा, लेकिन हमारा क्या काम है, हमें तो घटा के देखना है, क्योंकि a इंटू सी कैसा आ रहा था, ऋणात्मक आ रहा था, तो इनको घटाने पर क्या आ जाएगा, मध्य पद दो आ जाएगा, क्योंकि चार माइनस दो कितना होता है, दो होता है। तो अगली स्टेप में आप क्या करें, b की जगह जो हमने गुणनखंड पता किए हैं, देखो बच्चों माइनस की जगह मैंने माइनस रखा है, और दो को हम क्या लिख सकते हैं, चार माइनस दो, चार माइनस कितना लिख सकते हैं बच्चों, दो लिख सकते हैं, और ये माइनस आठ अपनी जगह एज इट इज, और ये इक्वल टू ज़ीरो। वापस से समझिए बच्चों, मैंने मध्य पद को क्या किया है, विभक्त कर दिया है चार माइनस दो में, कैसे, क्योंकि आठ के वो गुणनखंड जिनको घटाने पे हमारे को क्या मिले, बी, घटाने पे क्यों, क्योंकि ए इंटू सी कैसे आया है, ऋणात्मक आया है। अगले स्टेप में देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार एक्स माइनस दो एक्स, और ये माइनस आठ बराबर ज़ीरो। अगर आप बच्चों हर एक स्टेप को क्लियरली करेंगे तो अब आपकी गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, बिल्कुल सही है वो भी, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं, अधिक हो जाते हैं। इसलिए पहले आप एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में आप एक स्टेप एक्स्ट्रा में क्या कर लीजिए, ब्रेकेट हटा लीजिए। अब देखिए ब्रेकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें याद है ब्रेकेट के साथ बाहर माइनस का साइन होता है, तो ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, चमत्कार होंगे बच्चों। चमत्कार से मेरा मतलब क्या है, अंदर के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो प्लस का 4x है अंदर तो, लेकिन जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x, और ये जो अंदर माइनस 2x है तो ब्रेकेट हटाने पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 8 इक्वल टू क्या चल रहा है, ज़ीरो चल रहा है। तो बच्चों स्टेप समझ में आई आपको, a मल्टीप्लाई c करना है, उसका साइन देखना है, जो आए उसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पे कब, जब अगर a इंटू सी का साइन धनात्मक आए, और a इंटू सी का साइन अगर ऋणात्मक आया तो घटाने पे क्या आना चाहिए, b का मान आना चाहिए, b का संख्यात्मक मान आना चाहिए। फिर b की जगह उसको रख के हम मध्य पद को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रथम दो पदों में से और अंतिम दो पदों में से जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है उसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से x उभयनिष्ठ है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। अब कई बच्चों के ये दिक्कत हो गई होगी कि सर ये बचता कैसे है, आपने तो कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, जिस भी चीज़ को आप कॉमन लेते हो, जिनमें से कॉमन लेते हो उनमें भाग लगा दो। तो आपने एक्स स्क्वायर में से कॉमन लिया है और 4x में से, तो जब आप एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो इसमें भाग लगा के देखिए क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, और 4x में से भी आपने क्या कॉमन लिया है, x ही कॉमन लिया है, तो बच्चों क्या बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आया कि किस तरीके से x माइनस 4 बचने वाला है। आगे देखिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, x माइनस 4 और इक्वल टू में कितना, 0। बच्चों जो पहले दो पदों में कॉमन लेने के बाद में बचा था, वही अगले दो पदों में कॉमन लेने के बाद में अगर बचा है, तब आपका क्वेश्चन क्या है, आपने बिल्कुल सही किया है। देखिए x माइनस 4 यहाँ बचा है, x माइनस 4 ही
यहाँ पर भी बचा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में हैं। और आगे देखिए बच्चों, अब x माइनस फोर दोनों के पास है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर इसके पास से क्या बच जाएगा x, और इधर से क्या बच जाएगा बच्चों, दो बच जाएगा। समझ में आया? तो अब हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात बहुपद को किसमें बदल लिया है, दो रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में बदल लिया है। देखिए बच्चों आगे हम किस तरीके से करेंगे, आगे हम करेंगे, हमारे पास आ गया है, हमने देखा हमारे पास आ गया x माइनस फोर और x माइन प्लस टू का गुणनफल किसके बराबर बच्चों, ज़ीरो के बराबर आ गया, यही आया है, दिख रहा है आपको। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर, ज़ीरो है, ज़ीरो के बराबर है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल ज़ीरो के बराबर कब होता है बच्चों, जब वो दोनों ज़ीरो हों या फिर उनमें से एक जीरो हो। तो या तो फिर क्या है, यदि हम किसको जीरो मान लें, x माइनस फोर को जीरो मान लें, तब तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, चार आएगी। तथा यदि यदि हम किसको जीरो लें, x प्लस दो को जीरो लें, तब बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस दो आ जाएगी। अतः हम क्या कहेंगे, अतः अभिष्ट जो शून्यक होंगे, अभिष्ट शून्यक कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके पास माइनस दो और एक क्या हो जाएगा बच्चों, चार। तो द्विघात बहुपता दो शून्यक आने थे, दोनों आ गए हैं, एक माइनस दो और एक क्या, चार। लेकिन अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा गया था, गुणांकों और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो याद कीजिए बच्चों, गुणांकों और शून्यकों के बीच में दो संबंध मैंने आपको बताए थे, एक योगफल वाला संबंध और एक गुणनफल वाला संबंध। तो पहले हम क्या करते हैं, योगफल वाले संबंध की सत्यता की जाँच करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं एल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग। हम क्या करने वाले हैं, शून्यकों का योग करने वाले हैं। किसी भी एक को आप अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी आप बीटा बोल सकते हैं। तो माइनस दो प्लस कितना हो गया बच्चों, चार, और ये आपके पास कितना आएगा, दो। और योगफल वाला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तथा हम निकाल लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बच्चों, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया बच्चों, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या था, माइनस बी अपॉन ए का मतलब था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक तो क्या है, एक्स का गुणांक देखिए बच्चों, एक्स का गुणांक है माइनस दो और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। यहाँ देखिए ए का मान तो वन है, बी का मान कितना है बच्चों, माइनस दो, और सी का मान कितना है, माइनस आठ। ये आपको माइंड में करना है या रफ नोटबुक में आप पहले से लिख लीजिए, ए बी सी के मान ये हैं। उसके बाद देखिए माइनस माइनस दो बटे कितना, एक, और ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, दो ही आ जाएगा। अतः आप क्या कहेंगे, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हैं, माइनस बी बटे ए के, माइनस बी बटे बच्चों ए के। हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए पुनः हम क्या करेंगे, वापस से अल्फा इनटू बीटा निकाल के देखेंगे। अपना सुझाव अवश्य दें। मतलब क्या हो गया, कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, हम करेंगे, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। का हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com। तो शून्यकों कौन से हैं, एक तो है माइनस दो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने
सी अपॉन ए बी आप निकाल लीजिए, सी अपॉन ए का मतलब हो गया अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब आप अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं तो अचर पद कितना था माइनस आठ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, और ये भी कितना आ जाएगा माइनस आठ। अतः आप क्या कहेंगे, अतः आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए के बराबर है। हैंस वेरीफाइड, इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इन दोनों संबंध को वेरीफाइड भी कर लिया है, दोनों जो संबंध है इनको क्या कर लिया है वेरीफाई कर लिया है, इनके संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है। अब एक बार वापस से देखिए, प्रश्न था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने थे, हमने गुणनखंड विधि से क्या किए, द्विघात बहुपद को पहले रैखिक बहुपदों के रूप में, रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, और फिर प्रत्येक रैखिक बहुपद से हमने क्या निकाल लिए, एक एक शून्यक निकाल लिए। इस प्रकार रैखिक बहुपद से हमारे पास दो शून्यक प्राप्त हुए, जो कि अभिष्ट हमारे पास क्या थे, शून्यक थे, एक अल्फा और एक बीटा, कोई भी एक अल्फा और कोई भी एक बीटा। उसके बाद हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो हमें पता है पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला और माइनस बी अपॉन ए निकाला, दोनों बराबर आ गए, अतः हमने क्या कह दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा संबंध क्या है, गुणनफल वाला संबंध, अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल, हमने गुणनफल किया तो जो रिजल्ट आया वही किसके बराबर आया, सी बटे ए का रिजल्ट भी आया, अतः हमने क्या कह दिया अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए के। इस तरीके से ये प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं और हम इसको और डीपली समझते हैं और गहराई से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों उदाहरण दो, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये जो द्विघात बहुपद है इसके आपको क्या करने हैं, शून्य के ज्ञात कीजिए, और साथ ही लपेट के दूसरा प्रश्न भी आपके पास आ गया है, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच मध्य संबंध की जांच भी कीजिए। संबंध कैसा है उसकी जांच भी करनी है, अर्थात वही योग वाला और गुणनफल वाले संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। अब बच्चों मैं इसको आपको हल करवाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया पहले उदाहरण में भी और फिर से आप समझिए, अगर आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो सबसे पहले माना एफ एक्स बराबर जो भी आपको बहुपद दे रखा है वो मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। फिर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको शून्य के ज्ञात करने हैं तो आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, f ऑफ x बराबर कितना 0। इसका मतलब आप करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, और गुणनखंड विधि क्या है, वही a मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई सी करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 करने से आपके पास कितना आएगा बच्चों, माइनस 6 आएगा। पहली स्टेप समझ में आई आपको गुणनखंड विधि की। दोबारा हम क्या करेंगे, चिन्ह को छोड़ देंगे और गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो एक तो हो गया 1 और 6 और दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 3। अब आप मुझे देख के बताइए, ज़रा सोचिए, पहले वाले एग्जांपल को ध्यान में रख के बताइएगा, गुणनखंड जो आपने 6 के किए हैं उनको जोड़ने पे मध्य पद आना चाहिए या घटाने पे मध्य पद आना चाहिए, मध्य पद का मतलब 5, क्या आपको जोड़ने पे 5 मिलना चाहिए या घटाने पर, बताइए, सोचिए सोचिए। देखिए, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, ऋणात्मक है, इसका मतलब मध्य पद क्या आएगा, 6 के दोनों गुणनखंडों को घटाने पर आएगा। तो अगर हम देखें तो इनको घटाने पे कभी भी 5 नहीं आएगा, लेकिन इनको घटाने पर क्या आएगा,
छः में से जब हम एक को घटा लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाने वाला है, पाँच आ जाने वाला है। इस अतः हम मध्य पद की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, मध्य पद पाँच की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे छ माइनस एक एक्स माइनस दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों, मध्य पद को हम किस तरीके से विभक्त करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। याद कीजिए क्या मैंने पहले उदाहरण में ऐसा ही बताया था, एक को एक्स से गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, एक्स आएगा, एक एक्स नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। इस बार आसान है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो सिर्फ हमें ब्रैकेट हटाना है, अंदर कोई भी साइन चेंज करने की दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो 6x माइनस एक्स माइनस दो बराबर ज़ीरो। आगे याद कीजिए बच्चों हमने क्या किया था, जब हमारे पास चार पद बन गए थे द्विघात बहुपद के, तब हमने क्या किया था, प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लिया था। तो प्रथम दो में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, अंतिम दो में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, देखिए यहाँ तो उभयनिष्ठ आ रहा है 3x, अंदर बच जाएगा पास आपके पास x प्लस दो, और आगे सिर्फ माइनस उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है, तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया -1, अंदर बच जाएगा x प्लस दो। देखिए बच्चों मैंने कहा था जैसा पहले दो पदों में उभयनिष्ठ बनने के लेने के बाद में ब्रैकेट बनेगा, वैसा ही आगे भी बनेगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या है, सही है। अब आगे देखिए 3x माइनस एक हो गया और ये हो गया x प्लस दो। बच्चों समझ में आया, ये क्या हमने द्विघात बहुपद को रैखिक बहुपदों में विभक्त कर लिया है, बिल्कुल हमने विभक्त कर लिया है। आगे देखिए बच्चों, जब हमने इसको रैखिक बहुपदों में विभक्त कर लिया तो हमारे पास क्या आया, एक बार वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x प्लस माइनस एक और x प्लस दो बराबर ज़ीरो। क्या बच्चों हमारे पास यही आया, देखिए 3x माइनस एक और x प्लस दो ही आया है, ठीक है। और अब अगर इन दोनों का गुणनफल ज़ीरो के बराबर है तो यदि हम क्या लें, यदि बच्चों हम लें 3x माइनस एक बराबर ज़ीरो लें, तो यहाँ x का मान कितना आ जाने वाला है आपके पास, 1/3। तथा यदि आप क्या लें, x प्लस दो को ज़ीरो के इक्वल लें, तो x का मान आपके पास कितना आ जाने वाला है बच्चों, -2। और यही दोनों क्या है, x की जो वैल्यूज आई हैं, यही वो दोनों वैल्यूज हैं जो बहुपद को क्या करती हैं, शून्य बना देती हैं। अतः अभीष्ट जो शून्यक हैं, अभीष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके पास 1/3 और दूसरा क्या हो जाएगा, -2 बच्चों, ठीक है। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, तो अब हम वो जांच कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -2 में हम क्या जोड़ लेंगे, 1/3 जोड़ के देखेंगे। तो जब ये बटे, इसके बटे में क्या लगा सकता हूँ बच्चों, में एक, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। एक का भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -6। और यहाँ 3 का भाग लगाएंगे पहले 3 में, एलसीएम में 3 का भाग लगाएंगे ना, हर का भाग लगाएंगे एलसीएम में, और फिर जो आता है उसको हम अंश से गुणा करके लिखते हैं। तो 3 को 3 में भाग लगाएंगे एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। -6 प्लस 1 कितना होता है, -5/3 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया, तथा अब आप देखिए -b/a, संबंध याद है कि नहीं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला अभी, अब हम क्या निकालेंगे, -b/a। देखिए हमारा समीकरण जो था, ये रफ काम है, हम समीकरण हमारा था जो भी बहुपद था वो क्या था, 3x² प्लस 5x माइनस 2 था बच्चों। यहाँ से आप देखिए a का मान तो कितना है, 3 है, b का मान कितना है बच्चों, 5 है, और c का मान कितना है, -2। तो यहाँ से आप देखिए -b यानी -b का मान 5/3, तो ये भी कितना आ गया, -5/3 आ गया। अतः आप क्या कहेंगे, अतः आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो एक जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच आपने कर ली है। अगला देखें,
पुनः आप अब क्या करेंगे, वापस से अल्फा प्लस बीटा के बाद में अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे। अल्फा कितना है बच्चों, 1/3 है, और बीटा कितना है, -2, और गुणनफल कितना आ जाएगा इन दोनों का, -2/3। तथा आप देख लेंगे सी बटे ए बी, सी बटे ए कितना है, सी का मान कितना है बच्चों, -2, और ए का मान कितना है, 3। तो ये भी कितना आ गया, -2/3 आ गया है। अतः आप क्या कहेंगे, अतः अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है, हमेशा सी बटे ए के। तो ये दोनों संबंध हमने क्या किए हैं, वेरीफाई किए हैं, जांच कर ली है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने दो प्रश्न किए, दो उदाहरण किए हैं, किस पर, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने पर, और उनके मध्य संबंध, किनके मध्य संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको बहुपद दिया नहीं गया है, अब की बार आपको ज्ञात करना है। और याद कीजिए, जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी तब मैंने कहा था द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, x² - α + β (x) + α (β)। तो यहाँ देखिए जो जानकारी आपको दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। पहले आपको दे रखा है शून्यकों का योग। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, शून्यकों का योग, और आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बच्चों, तो गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे रखा है। मैं आपके लिए रीड करता हूँ किस तरीके के प्रश्न को रीड करते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, आप ये भी देखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। इसका मतलब जो पहले दे रखा है वो योगफल दे रखा है 1/4, और जो बाद में दे रखा है वो गुणनफल दे रखा है -1। अतः आपको योगफल और गुणनफल पता है, अतः आप क्या बोलेंगे, बहुपद, या हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है x² - शून्यकों का योगफल गुणा x + कितना, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का योगफल आपको कितना दे रखा है, -(ब्रैकेट में लिखेंगे) 1/4 गुणा x+, और α(β) कितना दे रखा है, -1, और आप इन दोनों को हल कर लीजिए तो x² - x/4 - 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप द्विघात बहुपद निकालिए, या आप इसको क्या कीजिए, 1/4 है, बटे में 4 है, तो 4 से सभी को गुणा कर दीजिए तो आपको पास मिल जाएगा 4x² - x - 4। तो दोनों ही क्या हैं, सही जवाब है बच्चों, वो भी देंगे तो भी सही जवाब है, ये भी देंगे तो भी सही जवाब है, या कई बुकों में आपको लगेगा इसके बाहर के लगा के। तो जो भी आपके पास अचर गुणांक होता है, जैसे कि यहाँ 4 से मैंने गुणा किया, तो आप यहाँ 5 से 6 से किसी से भी गुणा करके अगर लिखेंगे तो भी शून्य के यही रहने वाले हैं उसके, ठीक है। लेकिन जनरल वे में आप इस तरीके से आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमने सीखा बहुपदों के शून्यक, और किस तरीके से द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, रैखिक बहुपदों के शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम बच्चों प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तब तक के लिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों। आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बीहाइव से द फन दे हैड, भाग 1 और भाग 2, और कक्षा 10 में गणित विषय में बहुपद भाग 2। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में पोयम द रोड नॉट टेकन पार्ट 2, सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र बुक में
पालमपुर गांव की कहानी भाग एक, गणित विषय में संख्या पद्धति भाग दो, कक्षा 10 में विज्ञान विषय में अम्ल क्षार एवं लवण। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर, 313001।